कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो हम चले थे मंजिल को पाने के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, UPPCS एग्जाम खुशखबरी है, जो धरना चल रहा था वो बिल्कुल सफल हो चुका है। बिग अपडेट है UPPCS से और RO ARO एग्जाम से लेकर, छात्रों में बहुत बड़ी खुशखबरी है, छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो निकलने में आ रहा था कि दो दिन परीक्षा होगी, नहीं, अब एक दिन परीक्षा होगी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग NM की तैयारी कर रहे हैं, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है, UPNM स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, ये महिला भर्ती परीक्षा 2024 UPSSC द्वारा आयोजित NM की मुख्य परीक्षा के लिए निश्चित सफलता के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों जो है हर जगह उपलब्ध है। आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजन से मंगा सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 2500 बहुकल्पी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं और एक शॉर्ट पेपर है। व्याख्यात्मक हल मेरे प्यारे बच्चों 2500 प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो है ये देख लीजिए, ये 25 प्रैक्टिस सेट है, 25 प्रैक्टिस सेट है, और 25 प्रैक्टिस सेट ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, शरीर में यूरिया का संश्लेषण, मूत्र में निष्कासित वायु O2 कितनी मात्रा होती है, और इनका हल भी है, देख लीजिए, इनका हल भी है, देख लीजिए, व्याख्यात्मक हल है, व्याख्यात्मक हल है, जिससे और भी क्वेश्चनों का समावेश मिलता है, मिलेगा। तो ये आपकी सफलता के लिए NM की जो बुक है, आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी। इसको आप अमेजन फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं और आप बुक स्टॉल पे भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो UPPCS एग्जाम खुशखबरी निकल के सामने आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो है इसके लिए जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आप लोग देखिए, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, देख लीजिए, प्रयागराज, 14 नवंबर की आज ही डेट है। एटेट द्वारा सूचित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एटेट द्वारा सूचित किया जाता है कि सुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को दो दिवसों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति एक दिवस में ही कराए जाने का निर्णय लिया है। ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे टीचरों ने भी सपोर्ट किया, जिससे उनकी ये जीत हुई है। एकता में बल है, ध्यान रखना। तो ये जीत हुई है छात्रों की। इसमें जानते क्या सिस्टम था, अगर ये दो दिनों में होता तो नॉर्मलाइजेशन, मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन ये प्रक्रिया बहुत बेकार थी, इसमें जो है छात्रों का अहित होता। अब ये सोच लीजिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बिल्कुल ठप, मोहर स्टॉप हो गई है, अब पहले की बात ये परीक्षा होगी, मेरे प्यारे बच्चों बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और जो RO ARO की परीक्षा है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो RO ARO की परीक्षा है, वो मेरे प्यारे बच्चों अभी नहीं होगी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये अब जो कुंभ मेला मेरे प्यारे बच्चों है, कुंभ मेला के बाद RO ARO की परीक्षा जो है सम्मिलित कराई जाएगी, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख से भी ज्यादा परीक्षा जो है लोग जो है देंगे, देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए 10,76,004 संख्या की दृष्टि से, इस पर भी विज्ञप्ति 14 नवंबर को जो है देख लीजिए। ये दोनों विज्ञप्ति मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी, स्टडी विद नीरज सर, ये मेरा टेलीग्राम है, ये दोनों विज्ञप्ति आपको जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है भेज दी जाएंगी, ठीक। ये एक तरीके से बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम है और काम हुआ है, जिससे जो है बहुत सारे छात्रों में खुशी की लहर है, और क्यों ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारा नुकसान हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो और अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे जो है आपको अच्छी अच्छी खबरें मिले और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।